आर्टिक थ्योरी ऑफ गैस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले इस टर्म को डिफाइन करने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स पहले बताता हूं। पीरियोडिक मोशन कहते हैं किसको, है वो पर्टिकुलर मोशन जिसका टाइम पीरियड फिक्स्ड हो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं मोशन ऑफ अ प्लैनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, या मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, मोशन ऑफ सैटेलाइट मून, ये सारी चीजें पीरियोडिक मोशन। तो आप बोलिएगा अ मोशन हैविंग फिक्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन दो तरह से हो सकता है, कैसे कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने एक मोशन डिफाइन किया कि आपके पास न्यूक्लियस है एंड उसमें इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दिस सर्कुलर पाथ। तो यहां से स्टार्ट करें तो कंप्लीट मोशन करने के बाद रिटर्न बैक इस पॉइंट पे आता है आफ्टर फिक्स टाइम गैप, तो इसको पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। एक दूसरा मोशन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए आप एक सपोर्ट से कोई एक पेंडुलम ले लीजिए एंड पेंडुलम को स्विंग कराइए, यहाँ पे बॉब। अब इस बॉब का अगर मैं मोशन देखूं कि बॉब कुछ इस तरह से मूव किया किसे इस पॉइंट तक एंड देन वापस रिपीट कर रहा है इस पॉइंट तक, ठीक, तो ये भी पीरियोडिक एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिटर्न बैक आता है या एक फिक्स टाइम पीरियड में इस पॉइंट तक आता है। इन दोनों पीरियोडिक में थोड़ा फर्क है। पहले पीरियोडिक में पाथ रिपीट नहीं कर रहा, बट सेकेंड पीरियोडिक में एक फिक्स पॉइंट, इसको मानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजिशन, इसके अबाउट मोशन होता रहता है। मतलब इसके अबाउट टू एंड फ्रो या इसके अबाउट अप एंड डाउन। इसीलिए ये पीरियोडिक एंड ये जो लेफ्ट साइड में पीरियोडिक है दोनों में थोड़ा फर्क है। आई बस समझ। तो फर्स्ट पीरियोडिक में कोई पाथ रिपीट नहीं कर रहा, ठीक। सेकंड पीरियोडिक में इस पर्टिकुलर पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसके अबाउट एक फिक्स पॉइंट जिसको मैंने मीन पोजीशन कहा, उसके अबाउट मोशन हो रहा है। इसके अबाउट आगे एंड पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है, बट इस फर्स्ट पीरियोडिक में किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई मोशन नहीं हो रही है। वो इन जनरल इस क्लोज पाथ को कंप्लीट करके अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक। बट इसमें बोलूं अगर मैंने स्टार्ट यहां से किया तो पहले एक साइड मूवमेंट किया फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर दूसरी साइड, हर पॉइंट पे वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो आया था उसकी तरफ डायरेक्टेड होता है, ठीक। इसलिए इस पीरियोडिक एंड इस पीरियोडिक में थोड़ा फर्क है। इसीलिए जो सेकेंड पीरियोडिक जिसमें मोशन एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन होता है, उस पीरियोडिक का एक स्पेशल नाम SHM होता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इफ्रा ये समझ आया? ओके, मैथमेटिकली इसको डिराइव मैं आगे करूंगा, अभी बस आप सिंपल समझने के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि SHM कहते किसको है इन जनरल। मैथमेटिकली जो मैं आपको डिराइव कर दूंगा तो फिर वहां से ज्यादा क्लियरली आप SHM डिफाइन कर सकते हैं कि होता क्या है। तो नेक्स्ट इज SHM, अ पीरियोडिक मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो
और अप एंड डाउन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तब उस पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल नाम SHM होता है। तो SHM एक पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप है और कुछ भी नहीं। तब हम यहां से कंक्लूड करते हैं कि ऑल SHMs आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट SHM। तब यहां से डिफाइन करते हैं ऑल SHMs आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट SHMs। पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं। अब इस सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देता हूं, फिर वहां से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली मैं सिस्टम कहते किसको है। हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज SHM। मान लीजिए पार्टिकल स्टार्ट हुआ किसी इस पॉइंट से t=0 पे, कुछ देर बाद पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे, कुछ देर बाद पार्टिकल कुछ इस पॉइंट पे एंड कुछ देर बाद पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे। देन हर अलग अलग पॉइंट के लिए, जैसे टाइम जीरो पे कुछ यहाँ पे, टाइम t1 पे पार्टिकल यहाँ पे, t2 पे पार्टिकल यहाँ पे, t3 पे पार्टिकल यहाँ पे, ये इस तरह से एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है इस तरह। अगर मैं उन पॉइंट के लिए प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, तो देखिए उसका बिहेवियर कैसा होगा। फर्स्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं ऑन एक्स एक्सिस, तो यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तब देखिए प्रोजेक्शन एक्चुअली में मूव कैसे कैसे कर रहा है। पार्टिकल पहले यहां पे था, फर्स्ट यहां से यहां तक गया, फिर पार्टिकल यहां से यहां तक गया एंड फिर पार्टिकल यहां से यहां तक गया। तो मैं बोल सकता हूं ना कि इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लीनियरली यहां से यहां तक मूव कर रहा है। फिर मैं आगे बताता हूं आगे क्या हो रहा है।
एट सम लेटर टाइम, मान लीजिए पार्टिकल कुछ इस पॉइंट पे हो, फिर से पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे हो, तो उसके लिए फर्दर अगर फॉल कीजिए वर्टिकल लाइन पे, ठीक, तो यहां से यहां तक फॉल कराया मैंने, फिर यहां से यहां तक फॉल कराया वर्टिकली, तो इसका मतलब ये मोशन यहां से यहां तक हो रहा है, फिर यहां से यहां तक, एंड फिर से पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे चला जाए तो यहां से यहां तक हो रहा है। ये हमने कैलकुलेट किया पहला, अगर एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए फिर वापस रिटर्न बैक आएगा, तो मे बी पार्टिकल कुछ इस पॉइंट पे हो, कुछ देर बाद पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एंड देन वापस जहां से वो आया था उस पॉइंट पे। अगर आप फर्दर फॉल कराइए उन सारे प्रोजेक्शंस को ऑन एक्स एक्सिस, तो यहां से प्रोजेक्शन फॉल कराइए तो यहां पे होगा, यहां से फॉल कराइए तो यहां पे होगा, यहां से फॉल कराइए तो इस पॉइंट पे, मतलब अब पार्टिकल यहां से यहां तक मूवमेंट किया, फिर यहां से यहां तक मूवमेंट किया, फिर यहां से यहां तक, देन यहां से यहां तक, एंड वापस जहां से वो आया था उस पॉइंट पे वापस चला गया। तो यहां पे देखिए, अगर मैं पार्टिकल का प्रोजेक्शन देखता हूं अलोंग एक्स एक्सिस, तो कैसा दिख रहा है आपको? टू एंड फ्रो मूवमेंट दिख रहा है, बोल सकता हूं उसको टू एंड फ्रो अबाउट दिस मीन पोजिशन। सेम कंडीशन अगर मैं देखूं वाई एक्सिस के अबाउट इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्शन का मोशन, जैसे मेरे पास ये सर्कुलर पाथ था, ठीक, ये मेरे पास डायमेट्रिकल एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो अगर मैं उस पार्टिकल के वाई एक्सिस के प्रोजेक्शन को देखूं, इनिशियली पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, कुछ देर बाद पार्टिकल यहां पे होगा, कुछ देर बाद यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, and so on। अब अगर मैं उन प्रोजेक्शन को फॉल कराऊं अलोंग वाई एक्सिस, तो पहले कुछ यहां पे होगा, कुछ देर बाद यहां जाएगा, मतलब पार्टिकल जब इनिशियली यहां पे था तो यहां से यहां तक मूवमेंट किया, फिर यहां से यहां तक मूवमेंट किया, फिर यहां से यहां तक मूवमेंट किया। ऑन अदर साइड अगर आप फॉल कराइए यहां से यहां तक, तो पार्टिकल यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर यहां से वर्टिकल लाइन फॉल कराए इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये चीज आपको दिखाई देगी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, एंड देन यहां से यहां तक, अगेन ऑन रिटर्निंग यहां से फॉल कराए इसके ऊपर, तो ये मूवमेंट ऐसे एंड ये मूवमेंट ऐसे। तो यहां पे बोल सकता हूं प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, वो भी आपको अप एंड डाउन अबाउट मीन पोजीशन दिखाई दे रहा है। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हो, तो इन पार्टिकल के प्रोजेक्शन का मोशन देखिए अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, तो वो कैसा बिहेव करेगा? एस एच एम की तरह, अबाउट ओरिजिन वो टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मूव करता दिखाई देता है। तब इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? एस एच एम बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? आलिया, कोई डाउट यहां तक? ओके, तो हम यहां से इसको कंबाइन करते हैं, तो हम ये कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज along uniform circular motion, then the motion of
projection of particle along any diametrical axis is called SHM. पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए. आलिया लिख लिया आपने? अब इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इक्वेशन डिराइव करते हैं उस पर्टिकुलर एसएचएम के लिए. हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम. मान लीजिए आपके पास कोई एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है, ठीक. ये मेरे पास डायमेट्रिकल एक्सिस, मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो किसे इस पॉइंट पे था. एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो तब ये पार्टिकल कुछ इंक्लिनेशन पे होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. उस इंक्लिनेशन को हम फाई बोल देते हैं. कुछ देर बाद पार्टिकल कुछ यहां तक चला गया एट सम टाइम t, यहां से यहां तक रोटेट किया एंड उसकी स्पीड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रोटेशन ओमेगा है. तो ये एंगल जो यहां से यहां तक सबस्टेंड होगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी. तब उसे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट के लिए. तब ये टर्म यहां से यहां तक x डिस्टेंस डिफाइन करेगा एंड ये डिस्टेंस यहां से यहां तक y डिस्टेंस डिफाइन करेगा या y प्रोजेक्शन डिफाइन करेगा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए, ठीक.
मान लीजिए उस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ उसका अपना कुछ रेडियस ए है, ठीक। तब ये सारी चीजें कंबाइन करके देखिए हम क्या डिफाइन करते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज रिवॉल्विंग अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए एट कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो मैं इस सेगमेंट को अगर मैं कट करता हूं, ठीक, एंड एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं इसी सेगमेंट के लिए, यहां से यहां तक ट्रायंगल है, एक वर्टिकल लाइन ले लीजिए एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए यहां से यहां तक, तब यहां पे टोटल इंक्लिनेशन यहां से यहां तक थीटा, ये मेरे पास डिस्टेंस ए, यहां से यहां तक डिस्टेंस एक्स, यहां से यहां तक डिस्टेंस वाई, एंड थीटा की वैल्यू टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई ऐसे ले सकते हैं। यहां तक कोई डाउट इफ्रा? ओके, सो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, सो एक्स इक्वल्स टू ए टाइम्स कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आप ये लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने साइन थीटा ले लिया तो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, सो वाई इक्वल्स टू ए टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये मेरे पास एक जनरल इक्वेशन आता है एसएचएम के लिए, ठीक। पहला या तो कॉस के टर्म में यहां से यहां तक लिख सकते हैं ये एक्सप्रेशन, या साइन के टर्म में यहां से यहां तक लिख सकते हैं ये एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी चीजें हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हमें डिस्क्राइब करनी होती है, एंड देन उसके बेस पे हम पूरा एसएचएम डिफाइन करते हैं। यहां तक कोई डाउट? आलिए यहां तक सारी चीज समझ आई क्या क्या हो रहा था? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। इफ्रा आपने लिख लिया? ओके, सो आज क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करूंगा एंड इसके सारे अलग अलग टर्म बताऊंगा, फिर कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं वो सारी चीज सिखाऊंगा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक आ लिया? Okay then, we'll continue next class.